हाय फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र शेखावत आपका स्वागत करता हूँ एसी टेक के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि रेफ्रिजरेटर में फॉल्ट फाइंडिंग कैसे की जाए और उस फॉल्ट को रेक्टिफाई कैसे किया जाए। तो इस वीडियो को बनाने के लिए हमारी मदद की है अविनाश बनकर ने, तो उसको स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा मैं। और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग रिलेटेड वीडियोस पसंद आते हैं और आप देखना चाहते हैं तो जो बेल की बटन है सब्सक्राइब के बाजू में उसमें क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं अपलोड करूं वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेट्स गो। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सैमसंग का डबल डोर फ्रिज है। इसमें अभी प्रॉब्लम ये है कि इसमें कूलिंग नहीं हो रही है, तो अभी हमें फॉल्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसका कंप्रेसर में प्रॉब्लम है, गैस लीकेज है या कहीं पे सिस्टम में कहीं चोक है। सिस्टम का फॉल्ट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे क्लैंप मीटर, और फ्रिज का वायर हम मेन सप्लाई से कनेक्ट करके ऑन करेंगे। और क्लैंप मीटर में जितने एम्पियर है चेक करेंगे तो 0.89 एम्पियर ले रहा है, इसका मतलब कंप्रेसर तो चल रहा है। फिर इसमें अभी दो मेन कॉसेस और भी बचे हैं, जो एक फिल्टर या कैपिलरी चोक और लीकेज इन द सिस्टम। तो ये हमें चेक करना है सक्शन और डिस्चार्ज लाइन को हाथ लगाकर। डिस्चार्ज लाइन एकदम हॉट होनी चाहिए जो अभी नहीं है, और सक्शन लाइन कूल होनी चाहिए थी वो भी नहीं है। तो अभी हमें ये दो पॉसिबल कॉसेस है, इसको फाइंड आउट करना है। इससे हमें पता चलता है कि कंप्रेसर ओके है, कंप्रेसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टम में लीकेज और चोक चेक करने के लिए हम सर्विस लाइन को कट कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं सर्विस लाइन से गैस बाहर नहीं आ रही है। इसके बाद हम चलेंगे कैपिलरी और फिल्टर के, और हम कैपिलरी कट करेंगे प्लायर की मदद से। और ये प्लायर यूज़ करेंगे क्योंकि हमें चेक करना है कि गैस कौन से साइड से बाहर आ रही है। तो पहले हम प्लायर से कट कर देंगे और फिर हैक्सो की मदद से एक एक साइड कट करेंगे। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि जो प्रेशर है सिस्टम में प्रेशर है लेकिन इक्वलाइज नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो कैपिलरी है फिल्टर के जो आगे कैपिलरी है वो चोक है। ये पता चल गया कि सिस्टम में लीकेज तो नहीं है, इसका मतलब जो कैपिलरी है वो चोक है। तो अभी हम आगे देखेंगे कैपिलरी को चेंज कैसे करें और उसकी रिपेयरिंग कैसे की जाए। तो सबसे पहले हम कैपिलरी का जो आउटलेट है वो फ्रीज़र कैबिनेट में है, तो हम फ्रीज़र कैबिनेट ओपन करेंगे और उसके जो भी यूटेंसिल्स है वो निकाल लेंगे। जैसे उसके जो आइस ट्रे वगैरह है ये हम ओपन करेंगे। हमारा अविनाश है हमारे साथ, इसमें हमारी हेल्प कर रहे हैं। इस तरह से इसके ओपन किया जाता है, और इसमें जो आप कॉर्नर में कंट्रोलर देख रहे हैं टेम्परेचर कंट्रोलर, और ये दो स्क्रू है कॉर्नर में, स्क्रू फिटेड होता है। और फिर स्क्रू ओपन करने के बाद इसे हमें प्रेस फिट से ओपन करना पड़ता है। तो इस तरह से इसे ओपन किया जाता है, और ओपन करने के बाद हम इसकी जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है वो डिसकनेक्ट कर देंगे फ़ैन मोटर की और डैम्पर की। इस तरह से जैसे हमने अविनाश ने अभी डिसकनेक्ट किया हुआ इसे, और ये एक फ़ैन मोटर और जो डैम्पर का पोर्शन है ये पूरा बाहर आ गया है। अब हम फ्रीज़र कैबिनेट में देख सकते हैं इवोपरेटर कॉइल बाई मेटेलिक हीटर्स के कनेक्शन और थर्मल फ्यूज़। अब हम कैपिलरी लाइन जो है कनेक्टेड है इवोपरेटर में उसको कट करेंगे। ये देखिए हम अभी ट्यूब कटर की मदद से कैपिलरी लाइन कट कर रहे हैं, कैपिलरी लाइन कट कर लेंगे। और फिर हमें नई कैपिलरी डालनी होगी यहाँ पे, क्योंकि कैपिलरी लाइन कभी भी चोक होती है तो उसे फिर न्यू रिप्लेस करनी होती है विथ सेम डायमीटर ऑफ कैपिलरी। और उसकी जो भी लेंथ है वो नॉर्मली 12 फुट होती है डबल डोर फ्रिज के लिए,
फ्रिज की जो कैपिलरी है उसकी साइज़ है 0.31, तो हमने कट कर दिए कैपिलरी। अब हमें एक होल बनाना होगा क्योंकि जो कैपिलरी ट्यूब गई हुई है उसको हम खींच नहीं सकते क्योंकि वो लाइन के साथ आई हुई है। तो हम फ्रीजर कैबिनेट में एक होल करेंगे हेल्प ऑफ ड्रिल मशीन, और ये इजीली स्क्रू ड्राइवर से भी हो जाता है। और ये इस तरह से हम एक होल कर देंगे फ्रीज़र कैबिनेट में। होल में से हम कैपिलरी पास करेंगे बैक साइड में, और कैपिलरी पास करते हुए इसका ध्यान रखेंगे कैपिलरी की दोनों एंड पर हम एक टेप लपेट लें ताकि कुछ उसके अंदर कचरा ना जाए। और जब कैपिलरी एक साइड से बाहर आ जाए तो विद द हेल्प ऑफ नीडल हम उसको क्लीन कर लेंगे ताकि कुछ अगर कचरा गया भी होगा तो क्लीन, हमें इस तरह से कैपिलरी दिखनी चाहिए क्लीन एकदम क्लियर। ये देखिए अभी अविनाश क्लीन कर रहा है कैपिलरी का जो एंड है, फ्रीजर साइड का एंड है उसको क्लीन कर रहा है। आप शायद देख सकते होंगे कि जो कैपिलरी का हमें होल एकदम साफ दिख रहा है, ऐसा दिखना चाहिए। इसके बाद हम जो कैपिलरी है उसको कनेक्ट कर देंगे इनलेट में इवोपरेटर के, और एक्स्ट्रा जो लाइन है उसको हेल्प ऑफ प्लायर हम उसको पिंच कर देंगे। अब हम ब्रेजिंग करने से पहले, ये लाइन को जो ब्रेजिंग करनी है इसके पहले हम जो एल्यूमिनियम और कॉपर का जॉइंट है वहाँ पे एक गीला कपड़ा हम लपेट देंगे ताकि जब ये हम ब्रेजिंग करें तो एल्यूमिनियम और कॉपर का जो जॉइंट है वो ओपन ना हो जाए, क्योंकि एल्यूमिनियम और जो कॉपर का जॉइंट हम गैस टॉर्च से वेल्ड नहीं कर सकते, तो ये एक बड़ी वापस प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए ध्यान रखें कि एक कपड़ा उसे गीला करके ज़रूर लगा दिया जाए। फ्रीज़र कैबिनेट में ब्रेजिंग करते वक्त हमेशा एक MS की प्लेट का यूज़ कर कीजिए टॉर्च के अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि जो हीट है वो वापस कैपिलरी के यहाँ ही आए, आपके जॉइंट के यहाँ आए, ना कि वो जो अपना फ्रीज़र कैबिनेट है उसको उसमें कलेक्ट हो। और अगर आपको ब्रेजिंग के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप थोड़ी देर टॉर्च बंद कर दीजिए फिर वापस ऑन कर दीजिए, क्योंकि जो फ्रीज़र कैबिनेट है वो पफ इंसुलेटेड है, ये इसमें बलून्स बन जाते हैं और वो इंटीरियर ख़राब कर सकता है फ्रीज़र कैबिनेट का। तो इस तरह से हम ब्रेजिंग कर लेंगे। ब्रेजिंग करते वक्त दोनों मटेरियल मेल्ट होने के बाद आपकी जो रॉड है वो मेल्ट कीजिए वहाँ पे, और एकदम क्लीन वेल्ड जो हम ब्रेजिंग कीजिए। ब्रेजिंग कंप्लीट होने के बाद हम अच्छे से एक बार देख लेंगे हमारे जॉइंट में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं लीकेज तो नहीं दिख रहा है, और जो हमने वेट क्लोथ लपेटा था वो भी हम निकाल लेंगे। अब हम सर्विस लाइन में सर्विस वॉल कनेक्ट करेंगे। ये एक नॉन रिटर्न वॉल है, नॉन रिटर्न वॉल के अंदर एक पिन आती है जिसको प्रेस करने से गैस रिलीज होती है, तो ये याद रखिए ब्रेजिंग करने से पहले ये पिन को ज़रूर निकाल लीजिए, क्योंकि इसके अंदर एक रबर की शीट होती है, आप अगर इसको लगा कर डायरेक्ट करेंगे ब्रेजिंग करेंगे तो रबर की शीट जल जाएगी और ये वॉल ख़राब हो जाएगा। और ये जो हमने लाइन कट की थी इसको हम फाइलिंग कर लेंगे अच्छी तरीके से ब्रेजिंग करने से पहले, ताकि जो भी उसके हेड पे बर वगैरह है या जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो एक बार साफ हो जाए और आपकी जो जॉइंट है वो एकदम इजीली वो कैच कर ले। तो अभी और जॉइंट करने से पहले हम उसकी जो रिले और ओवरलोड प्रोटेक्टर है वो भी निकाल लेंगे, ताकि जो फ्लेम है उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम ना हो, वो जले वगैरह नहीं। जो हमारी सर्विस लाइन है वो है 516 की, और अपने जो सर्विस वॉल है ये नॉन रिटर्न वॉल है, ये है साइज़ 14 की, तो इसको हमको थोड़ा एक्सपांड करना होता है। एक्सपांड करके हम एक बार चेक कर लेंगे इसको बराबर कनेक्ट हो रहा है, तो हम योक से निकाल लेंगे बाहर में से और एक बार चेक कर लेंगे कि बराबर लग रहा है कि नहीं, जा रहा है अंदर, तो ये कम से कम आधा इंच अंदर जाना चाहिए चार्जिंग लाइन के अंदर, हम इस तरह इसको कनेक्ट कर देंगे। फिर हम अभी हमें फ़िल्टर भी कट करना होगा, क्योंकि ये बात हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप फ्रिज में गैस चार्जिंग करते हैं तो फ़िल्टर ज़रूर चेंज कर दीजिए, क्योंकि फ़िल्टर चेंज करने से क्या है उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी, फ़िल्टर अगर चोक माइन्यूट चोक होगा तो फ्यूचर में वापस चोक हो सकता है, तो हार्डली ये 30-40 रुपीज़ का आता है,
तो अगर आप इतना काम कर ही रहे हैं तो फ़िल्टर हमेशा आप गैस चार्जिंग के वक्त चेंज कर दीजिए, तो आपको फ्यूचर में वो यूनिट में जल्दी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से हम फिल्टर को निकाल देंगे। मुझे अभी अविनाश की मदद करनी होगी इस फ़िल्टर को निकालने के लिए। तो इस फ़िल्टर को इस तरह से गर्म करने पर हम डायरेक्टली वो साइड से अगर खींचेंगे तो इजीली निकल जाता है हॉट होने के बाद। सर्विस वॉल्व ब्रेजिंग करेंगे और इसको हम थोड़ा सा पिंच कर देंगे लाइन के ऊपर ताकि ये सीधा रहे और अपनी जगह पे स्टडी रहे ब्रेजिंग करते समय। देखिए अभी अविनाश ब्रेजिंग की टॉर्च तैयार कर रहा है। और हम इसे ब्रेजिंग कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी जो ब्रेजिंग है एकदम परफेक्ट हो गई है। अभी हम इसे ठंडा होने देंगे और हम ठंडा होने के बाद जो कैपिलरी हमने ऊपर से जो कनेक्ट किए उसे ज़रा हम एडजस्ट कर लेंगे फिटिंग करने के लिए। और जो हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन वापस कनेक्ट कर देंगे कंप्रेसर के ताकि हम कंप्रेसर चालू कर सकें कंडेंसर फ्लश करने के लिए। कंडेंसर को फ्लश करना बहुत ही ज़रूरी है। कंडेंसर में जो भी जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ऑयल है वो होगा तो उसे फ्लश कर देंगे हम। ये कंप्रेसर का वायर कनेक्ट कर देंगे मेंस जो फ्रिज का वायर है ये लगा के हम ऑन करेंगे फ्रिज। इससे जो कंप्रेसर स्टार्ट होगा ये हमने जो सर्विस वॉल लगाया है ये ओपन ही है तो यहाँ से गैस सक करेगा कंप्रेसर। और कंडेंसर के बाद में ये जो फिल्टर की लाइन है यहाँ से डिस्चार्ज कर देगा। यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं कंप्रेसर अब स्टार्ट हो गया है और हम इस लाइन से इस तरह जो कंप्रेसर के अंदर जो ऑयल है उसको फ्लश कर देंगे। प्रेशर होल्ड करेंगे और रिलीज़ करेंगे, होल्ड करेंगे और रिलीज़ करेंगे। इस तरह से जो भी कंडेंसर में रेफ्रिजरेशन का जो ऑयल है वो होगा तो वो रिलीज़ हो जाएगा। और अगर ये हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमारी जो ब्रेजिंग के टाइम ये ऑयल यहाँ पे आएगा और हमारी ब्रेजिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो ये एक श्योर कर लीजिए कि ब्रेजिंग करने से पहले एक बार फ्लशिंग ज़रूरी कर लेना। तो इस तरह हम फिल्टर कनेक्ट कर देंगे। जो कंडेंसर का आउटलेट है उसको हमने अभी फ़िल्टर कनेक्ट कर दिया है और जो एक्स्ट्रा जो एक लाइन है फिल्टर की उसको हमें पिंच करना होगा। अभी हम कैपिलरी लगा देते हैं दूसरे एंड में। फ़िल्टर के दूसरे एंड में कैपिलरी हमने कनेक्ट कर दिया है और ये जो कनेक्शन करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि कैपिलरी और हम जो दूसरे साइड ट्यूब लगा रहे हैं ये कम से कम आधे से 1 इंच तक ये कैप फिल्टर के अंदर हो ताकि जो भी अगर जॉइंट्स के टाइम इसमें प्रॉब्लम ना आए। इसे हम इस तरह से पिंच कर देंगे और ये ताकि हिले नहीं जगह से और इजीली हमारा जो जॉइंट है वो हो जाए। अब हम एक MS की शीट को फिल्टर के बैक साइड में इस तरह से पकड़ेंगे और ब्रेजिंग टॉर्च ऑन करेंगे और उसकी जो फ्लेम है उसको सेट कर लेंगे जैसे हमको चाहिए। ये ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा होने से जो हमारा फिल्टर है वो मेल्ट हो जाएगा और कम होने से जो हमारा जॉइंट है वो एकदम क्लीन जॉइंट नहीं होगा और लीक प्रूफ नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए ब्रेजिंग करते वक्त फ्लेम की बहुत इम्पोर्टेंस है। और जो आप बैक साइड में एक जो MS की शीट पकड़ी हुई है इसकी भी इम्पोर्टेंस ये है कि जो बैक साइड हीट जाती है वो रिफ्लेक्ट करता है वापस जहाँ हम लोग ब्रेजिंग कर रहे हैं। तो MS की शीट ज़रूर पकड़िए इससे आपकी जॉइंट जल्दी हो जाएगी नहीं तो जो बैक साइड में जो हीट जाएगी वो वेस्ट होती है। तो इस तरह से हम जब दोनों मटेरियल मेल्ट हो जाएं तो अपनी जो रॉड है उसकी हेल्प से हम जो ब्रेजिंग कर देंगे। ये देखिए हमने अभी फिल्टर के जो कंडेंसर साइड का एंड है वहाँ पे हम लोग ने अभी उसकी ब्रेजिंग कर दी है। और इसको बैक साइड में करने के लिए रॉड ज़रा बेंड कर लीजिए। बेंड होने से वो इजीली बैक साइड पहुँच जाएगी। फिल्टर के जो आपको एरिया नहीं दिख रहा है वहाँ पे भी एकदम इजीली हम ब्रेजिंग कर सकते हैं।
और 2 मिनट रुक जाइए, उसको जो मेटल है उसको कूल डाउन होने दीजिए, उसके बाद ही जो MS की सीट है वहाँ से निकालिए। फिर अब हम करेंगे कैपिलरी साइड का एंड, जहाँ हमने कैपिलरी इंटर किए, तो इसको हमेशा ध्यान रखिए कि कैपिलरी थोड़ी एक्चुअली 1 से 2 इंच अंदर हो, 1 इंच कम से कम अंदर हो फिल्टर के। इस तरह से हम कैपिलरी के एंड को भी ब्रेजिंग करके ज्वाइन कर देंगे। हमारी कैपिलरी की जॉइंट है वो अभी हो गई है, और हमने अभी तक 4 जॉइंट्स किए हैं, उनको हम एक बार इंस्पेक्ट कर लेंगे। फिल्टर के दोनों साइड की जॉइंट्स ये चेक कर लेंगे एक बार अच्छे से, टॉर्च वगैरह मार के हम चेक कर लेंगे कि कहीं लीकेज के चांसेस तो नहीं है। जो हमने एक सर्विस लाइन लगाई है उसकी भी जॉइंट्स देख लेंगे, और इनसाइड एक हम लोग ने कैपिलरी जॉइंट की थी वो भी देख लेंगे। इसके बाद हमें करना है प्रेशर टेस्टिंग, उसके लिए हम जो हमारी सर्विस लाइन है उसमें एक हमने जो सर्विस लाइन की जो पिन निकाली थी उसको हम वापस कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, उसके जो डेड कैप है उसकी मदद से। तो अब ये सर्विस लाइन है, अभी हमें प्रेशर टेस्टिंग करनी है। जो भी हमने ब्रेजिंग के जॉइंट्स किए थे उसकी हम प्रेशर टेस्टिंग करेंगे सिस्टम में एयर प्रेशर भर के। प्रेशर टेस्टिंग के लिए हम यूज़ करेंगे कंप्रेसर, जो हमारे पास एक्स्ट्रा कंप्रेसर है इसको हम प्रेशर टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं हमने एक जो चार्जिंग लाइन है वो उसको हमने डेड कर दिया है, और जो सक्शन और डिस्चार्ज लाइन्स है उनमें हमने कनेक्शन के लिए पोर्ट्स लगा दिए हुए हैं। ये पोर्ट्स है दोनों, इसमें हम वैक्यूमिंग भी कर सकते हैं और प्रेशर टेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डिस्चार्ज लाइन में प्रेशर गेज मैनिफोल्ड लगा देंगे, और आप देख सकते हैं, और ये लाइन हम लगाएंगे, डिस्चार्ज लाइन हमने गेज में लगा दी है, और जो गेज पोर्ट की आउटलेट है वो हम कंप्रेसर के जो सक्शन लाइन है वहाँ लगा देंगे। तो अभी हम एक बार कंप्रेसर स्टार्ट करके देखेंगे। ये देखिए जो प्रेशर है, कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है हमारा, और वो प्रेशर होल्ड हो रहा है, बढ़ रहा है प्रेशर। और इसी तरह से हम जो पिन है चार्जिंग लाइन की जो पिन है उसको चेक कर लेंगे, और ये हम जो हमने सर्विस वॉल कनेक्ट किया है उसमें लगा देंगे चार्जिंग लाइन। और सर्विस वॉल में लगाते वक्त ये याद रखें हम पिन वाली चार्जिंग लाइन यूज़ करें सर्विस के साइड में। तो अभी आप देख सकते हैं जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है सिस्टम में, ये एयर प्रेशर है, एयर प्रेशर से हम लीकेज चेक करेंगे। और ये एयर प्रेशर हम कुछ 110 PSI तक डाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एल्यूमिनियम के जॉइंट्स है, तो इससे ज़्यादा डाले नहीं, इससे आपकी जो एल्यूमिनियम की ट्यूब्स है वो बस्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए प्रेशर टेस्टिंग के समय एकदम ध्यान रखिए कि कहीं प्रेशर ज़्यादा ना हो जाए। हमने जो एक कंप्रेसर यूज़ किया है प्रेशर टेस्टिंग और वैक्यूमिंग के लिए, जो एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है फ्रिज का 1.8 HP का, तो इससे यूज़ कर सकते हैं आप भी, क्योंकि हम लोग भी इसको 5-7 साल से यूज़ कर रहे हैं, कुछ अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई है इसमें, और ये ऐसा कैसे ही चल रहा है। उसे 3 मिनट के समय में ये प्रेशर 110 तक पहुंच जाएगा, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि सिस्टम में बहुत छोटा सिस्टम है ये, और ये कंप्रेसर है जो चल रहा है अभी 100 PSI तक हो गया है। और जैसे ही ये 110 को क्रॉस करेगा हम कंप्रेसर बंद कर देंगे। ये देखिए अभी पहुँच गया है 110 PSI, अभी हमने कंप्रेसर बंद कर दिया, और हम इसका आउटलेट का जो वॉल है वो भी बंद कर देंगे ताकि सिस्टम सील हो जाए। हाँ, इस तरह से हम ये वॉल बंद कर देंगे। अभी कंप्रेसर बंद है, और वॉल कंप्रेसर बंद करने के बाद हमने वॉल बंद कर दिया है। अभी हम ये प्रेशर होल्ड करके देखेंगे कि ये होल्ड होता है क्या नहीं, और अभी हम सब जगह पे जहाँ पे भी हमने लीक ब्रेजिंग की हुई है वहाँ पर लीक चेक करेंगे 100 बबल टेस्ट के से। तो देखिए इस तरह से हम एकदम थरोली चेक करेंगे कि कहीं पे लीक तो नहीं रह गया है, क्योंकि माइन्यूट लीक की वजह से हमारी जो गैस है वो निकल जाएगी सिस्टम से और वापस फिर प्रॉब्लम आएगी। तो हमने जो अंदर कैपिलरी का जॉइंट्स मारा था उसको भी चेक कर लेंगे।
और जो एल्यूमिनियम के जॉइंट्स है जिस पे हम लोग ने वेट क्लॉथ लपेटा था उसको भी हम लोग एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे कि कहीं वो तो नहीं ओपन हो गया है। तो इस तरह से हम लीक टेस्टिंग कर लेंगे पूरे सिस्टम की। लीक टेस्टिंग होने के बाद हम चेक कर लेंगे जो हमने प्रेशर अंदर रखा था 110 PSI जी वो मेंटेन है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये देखिए हमारा जो प्रेशर है वो 110 है, इसका मतलब सिस्टम में लीकेज नहीं है। तो अभी हम आगे जो सिस्टम में हमने एयर प्रेशर बढ़ाया उसे रिलीज़ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग जो कंप्रेसर का वॉल है वो ओपन कर देंगे। ये हमने ओपन किया, उसके बाद जो हमने वॉल बंद किया था चार्जिंग लाइन के ऊपर का जो वॉल है ये ओपन कर देंगे, इससे जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हम वो प्रेशर रिलीज़ कर देंगे, पूरा जो सिस्टम ने हमने जो एयर प्रेशर बिल्डअप किया था वो रिलीज़ हो रहा है। प्रेशर टेस्टिंग का प्रोसीजर था ये पूरा हो गया है और हमारा प्रेशर भी होल्ड था, इसका मतलब अंदर लीकेज नहीं है। तो इसके आगे की प्रोसेस का नाम है वैक्यूमिंग। तो अब हम वैक्यूमिंग करेंगे सिस्टम को। वैक्यूमिंग बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वैक्यूमिंग करने से जो अंदर की अनकंप्रेस्ड और अनकंडेंस्ड जो एयर है वो बाहर निकल जाती है उससे, तो इसी वजह से वैक्यूमिंग बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं प्रेशर गेज में 3 था क्योंकि ये प्रेशर गेज सारा 3 PSIG आउट है। तो अब हम जो लाइन थी वो इस बार सक्शन लाइन में कनेक्ट कर देंगे कंप्रेसर के, जो हमने फ्लेक्सिबल लाइन कनेक्ट की है ये हम सक्शन लाइन में कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, और जो कंप्रेसर है उसको ऑन कर देंगे। देखिए अभी अविनाश कंप्रेसर ऑन करेंगे, इस तरह से अच्छे से कनेक्ट कर लीजिए उससे ताकि लीकेज ना रहे, क्योंकि अगर लीकेज होगा तो वैक्यूमिंग बराबर नहीं होगी, वहीं से एयर सक करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं जो गेज है ये कंप्रेसर स्टार्ट करते ही वैक्यूम में चला गया है। अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ से डिस्चार्ज पोर्ट से एयर जो सिस्टम में एयर है वो डिस्चार्ज कर रहा है, और हम इस सिस्टम को ऐसे ही छोड़ देंगे हाफ एन आवर के लिए। ये 30 मिनट्स में जो अंदर की जितनी भी एयर है वो सक कर लेगा। हाफ एन आवर हो गई है, हाफ एन आवर होने के बाद में हम जो इसका वॉल है वो बंद कर देंगे। अभी हमारी जो वैक्यूमिंग की प्रोसीजर है वो पूरी हो गई है, इसके बाद जो प्रोसीजर आती है उसको बोलते हैं गैस चार्जिंग। आज हम यहाँ इस रेफ्रिजरेटर में R134A रेफ्रिजरेंट भरने वाले हैं। तो इसकी प्रोसीजर देखिए, तो ये हमने वॉल ओपन कर दिया है और तुरंत ये वॉल हम सिलेंडर को कनेक्ट कर देंगे। ये R134A का पोर्टेबल सिलेंडर है और ये हम अभी वैक्यूम ब्रेक करने वाले हैं। ये वॉल ओपन करने के बाद हम जो लाइन है उसको पर्ज कर लेंगे ताकि जो अंदर की एयर है वो निकल जाए। सिर्फ यही लाइन पर्ज करेंगे जो हमने कंप्रेसर से ओपन की थी। अभी जो लाइन है उसके अंदर खाली रेफ्रिजरेंट है। अब हम इसका जो कंप्रेसर का वॉल है फुल ओपन कर देंगे। कंप्रेसर का वॉल फुल ओपन करने के बाद हम धीरे धीरे जो हमारा गेज मैनिफोल्ड है इसका वॉल ओपन करेंगे। तो इससे जो रेफ्रिजरेंट है वो सिस्टम में इंटर हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है और अभी हमारा जो वैक्यूम ब्रेक का जो प्रोसीजर था वो पूरा हो गया है। जो सिस्टम में अभी वैक्यूम नहीं रह गया, अभी प्रेशर बिल्डअप हो गया है सिस्टम में। देखिए अभी हम इसका वॉल हम अभी ओपन करेंगे और धीरे धीरे जो प्रेशर है वो अंदर जाने देंगे सिस्टम के। अभी हमने जो रेफ्रिजरेंट सिलेंडर है उसका वॉल बंद कर दिया है और अब हम इसमें जो आगे की प्रोसीजर है जो हम इसके अंदर डालेंगे एक एंटी मॉइस्चर। ये देखिए इसकी प्रोसीजर इस तरह से हम कट कर लेंगे पकड़ के हेल्प से। जो एंटी मॉइस्चर की बॉटल है उसको कट कर लेंगे, प्लास्टिक की बॉटल होती है तो पकड़ से इजीली कट जाती है। और इसमें कुछ ड्रॉप्स है एंटी मॉइस्चर के लिक्विड ड्रॉप्स, ये हम चार्जिंग लाइन में अंदर डाल देंगे ताकि अच्छे से डालेंगे ताकि वो बाहर नहीं आ पाए। इसको इस तरह से हम डाल देंगे और फिर हम ये जो सिलेंडर है इसको ये कनेक्ट कर देंगे। और जैसे हमने देखिए इस तरह से हम इसको डाल देंगे अंदर और ये सिलेंडर को कनेक्ट कर देंगे और इसको ये लाइन को फिर एक बार थोड़ा पर्जिंग करेंगे हम और फिर
इसको ऊपर हाइट पे लेके ओपन कर देंगे ताकि जो लिक्विड है वो सिलेंडर में वापस ना जाए। अभी हमने एंटी मॉइस्चर भी डाल दिया सिस्टम में, देखिए अभी जो वॉल ओपन करने से जो एंटी मॉइस्चर है वो चला गया सिस्टम के अंदर। एंटी मॉइस्चर इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर कुछ मॉइस्चर अंदर रह भी जाए तो उससे हमारे सिस्टम को फ़र्क ना पड़े, वो स्मूथली चलता रहे। अभी हम कंप्रेसर, जो फ्रिज का कंप्रेसर है, वो स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने आप देख सकते हैं क्लाइंब मीटर भी लगाया हुआ है तो हमें एम्पियर पता चलता रहेगा। देखिए हमने अभी चालू किया तो ये अभी 0.9.4 एम्पियर ले रहा है, 9.4 एम्पियर ले रहा है, 0.94। और प्रेशर दिखा रहा है, ये अभी ज़ीरो ही प्रेशर दिखा रहा है क्योंकि प्रेशर बिल्डअप होने के लिए टाइम लगेगा। अभी हम और गैस चार्जिंग करेंगे इसमें। देखिए अभी हम सिलेंडर की वॉल धीरे धीरे ओपन करेंगे और सिलेंडर की वॉल ओपन करने से पहले ये ध्यान रखिए जो हमारा गेज मैनिफोल्ड का वॉल है वो बंद कर लें। उसके बाद सिलेंडर की वॉल ओपन कीजिए, फिर गेज मैनिफोल्ड की वॉल ओपन कीजिए। इससे जो प्रेशर है वो डायरेक्टली एंटर नहीं होगा, हमारे हाथ में रेगुलेटर की तरह हम यूज़ कर सकते हैं गेज मैनिफोल्ड के वॉल को। तो धीरे धीरे हम प्रेशर छोड़ेंगे इस तरह से, और जो रेफ्रिजरेंट है वो धीरे धीरे एंटर होना चाहिए सिस्टम में। फिर हम वॉल क्लोज़ करके एक बीच बीच में देखते रहेंगे कि प्रेशर कितना हो गया, क्योंकि जब हम वॉल ओपन करते हैं तो हमें प्रेशर जो दिखाता है वो सिलेंडर का दिखाता है, और जब हम वॉल क्लोज़ करते हैं जो फिर प्रेशर है वो हमें खाली हमारे जो फ्रिज है, फ्रिज का जो सिस्टम है उसका दिखा रहा है। अभी जैसा आप देख सकते हैं ये 10 PSIG तक आ गया है बंद करने के बाद में, इसका मतलब हमारे फ्रिज में अभी 10 PSIG है। तो अभी हमें और इसे ओपन करना होगा और थोड़ा रेफ्रिजरेंट चार्ज करना होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने ऊपर की कैबिनेट ओपन की हुई थी उसमें चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो एक्सपेंशन के आगे आइस आ गई है, मतलब अभी जो सिस्टम है वो चोक नहीं हो रहा है। तो हमारी जो हमने जो ये चेंज की है, कैपिलरी चेंज की है, उससे अभी एक्सपेंशन भी बराबर हो रहा है और सब बराबर चल रहा है। तो अभी हम जो ऊपर की कैबिनेट की हमने कवर ओपन किया था, जो फ्रीज़र कैबिनेट है उसका जो कवर ओपन किया था वो हम क्लोज़ कर देंगे और फिर प्रेशर देखेंगे। अभी प्रेशर 10 PSIG है, यह हमें इंक्रीज़ करना होगा, ये कम से कम 15 PSI to 17 PSIG होना चाहिए। ये देखिए अभी हमने वॉल ओपन किया है और ये प्रेशर इंक्रीज़ हो गया है अभी धीरे धीरे उसका, और एम्पियर भी 1.09 ले रहा है। तो इसका मतलब अभी जो रेफ्रिजरेंट है वो बराबर चार्ज हो गया है। अभी हम सब जगह हाथ लगा के फिज़िकली चेक करेंगे, जो लिक्विड लाइन है वो वार्म होनी चाहिए, फिल्टर जो है उसका वार्म होना चाहिए, ये डिस्चार्ज लाइन एकदम हॉट होनी चाहिए जो अभी हॉट है, और जो सक्शन लाइन है उसके अंदर थोड़ी स्वेटिंग आनी चाहिए, मतलब जो रिटर्न है वो कूल होनी चाहिए, उसके अंदर आइस भी नहीं आनी चाहिए और वो गर्म भी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर खाली थोड़ी स्वेटिंग आएगी मतलब वो ओके है। अभी हमने इस तरह से कैपिलरी भी नीचे कॉइल करके लगा दिया है, ये देखिए। अभी हम अंदर से चेक करेंगे और कम से कम 1 से 2 घंटे के अंदर जो आइस फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा अंदर वो फिज़िकली हम चेक करेंगे। अब हम जो क्लैंप मीटर हमने जो कनेक्ट किया था सिस्टम में वो हम डिसकनेक्ट कर देंगे, और जो हमने चार्जिंग लाइन कनेक्ट की थी उसको भी डिसकनेक्ट करके उसका जो डेड कैप मिला है साथ में वो कनेक्ट कर देंगे और फ्रिज की जो परफॉर्मेंस चेक करेंगे।